सुशांत सिंह के लिए अब एक महीने बाद रिया चक्रवर्ती ने आवाज उठाई है। ऐसे में बहुत सारे लोग जो है ट्विटर पर उनको ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक महीने बाद अब आप जागी हैं। वहीं एक सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट हैं, उन्होंने इस बात को कहा है कि बेहतर हो अगर सुशांत सिंह राजपूत के न्याय पर हम ज्यादा फोकस करें। तो क्या है पूरी खबर, मैं हिना कुमावत आपको फिल्म विंडो पर बताऊंगी। दरअसल जैसे ही रिया ने पोस्ट डाला कि वो चाहती हैं कि सीबीआई मांग हो, तो बहुत सारे लोग जो हैं रिया को सोशल मीडिया पर ट्रोल करने लग गए। इतना ही नहीं, रिया ने आज सुबह जो है एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से जो है उनके लिए अब्यूजिव वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और लोग जो है उनके बारे में कितना कुछ कह रहे हैं। अब जो है कुछ इसी तरह से एक लिखते हैं यूजर, रिया चक्रवर्ती फाइनली वेक्स अप आफ्टर अ मंथ ऑफ सुशांत डिमाइज एंड नाउ शी इज आस्किंग अमित शाह फॉर सीबीआई इंक्वायरी, वेल प्लेड रिया। इतना ही नहीं, लोगों का ये भी कहना है कि रिया ने जानबूझकर एक दिन पहले जो है अपना कमेंट सेक्शन ऑन किया और उसके बाद जो है उसमें जिस तरह के कमेंट्स आए वो सिंपैथी फैक्टर जो है जुटाना चाहती है और इसीलिए ये सब कर रही हैं। व्हाट इज दिस रोड टू हर इज टोटली नॉट एक्सेप्टेबल, आई एम टोटली अगेंस्ट सच टाइप ऑफ थ्रेड बट आई स्टिल हेट दिस गर्ल रिया चक्रवर्ती। तो लोग ये बात मानते हैं कि जिस तरह से उनको ट्रोलिंग के मैसेज आए हैं वो वाकई में गलत हैं, लेकिन लोग अभी भी रिया को सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। वहीं एक सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है, सपना भवनानी, आपने उन्हें बिग बॉस में भी देखा है, वो कई बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज की हेयर स्टाइलिस्ट हैं। वो लिखती हैं, दिस वुमेन आर गोइंग थ्रू देयर ओन ग्रीफ। उनका इशारा जो है अंकिता और रिया दोनों की तरफ है और उनका ये कहना है, उन्होंने रिया और अंकिता का हैशटैग भी यूज किया, यानी कि वो इन दोनों के लिए कह रही हैं कि ये दोनों जो हैं अपने आप जो है बहुत समय से एक दुख से निकल रही हैं एंड दैट नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड, और इस बात का जो है आदर होना चाहिए। देयर इज नो नीड टू बुली देम, इन दोनों को जो है बुली करने का कोई भी मतलब नहीं है। प्लीज फोकस ऑन सुशांत सिंह राजपूत एंड प्रे दैट जस्टिस इज सर्व, और इस बात के लिए प्रे करो कि जस्टिस मिले। तो मुझे लगता है जो सपना भवनानी ने बात कही है बिल्कुल सही कही है कि रिया और अंकिता जो इन दोनों की ट्रोलिंग काफी समय से सोशल मीडिया पर हो रही है, इन लोगों ने अपनी जिंदगी में उस शख्स को खोया है जिसको वो प्यार करती थी। जैसा कि रिया ने खुद बोला कि वो उनकी गर्लफ्रेंड थी, अंकिता के साथ उनके रिलेशनशिप के बारे में हर कोई जानता है। ऐसे में इनका दुख दर्द और शोक जो है वो अपनी जगह है और जो जस्टिस के लिए मांग उठती है वो अपनी जगह है। और जिस तरह की ट्रोलिंग होती है, बहुत सारे सेलिब्रिटी भी यही कहते हैं कि आप लोग जो है अपनी आवाज उठाइए, उस बात में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप जब दूसरों के लिए अब्यूजिव वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, जो ट्रोलर्स जो है अब्यूजिव वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं और इस तरह की जो है धमकियां भेजते हैं, वो बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं होता है। और वही बात जो है सपना भवनानी ने भी उठाई है। अभी एक महीना पूरा होने पर रिया और अंकिता दोनों ने ही पोस्ट डाले थे और जो है उसके बाद बहुत सारे मिक्स मैसेजेस भी आए, लेकिन आज जो है रिया ने जिस तरह से कदम उठाया, उन्होंने जिस तरह से उनकी ट्रोलिंग हुई उसका स्क्रीनशॉट शेयर किया और उसके बाद जो है उन्होंने अमित शाह से सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग की है, लेकिन उसके बावजूद जो है लोग उनसे काफी नाराज है और ट्रोल कर रहे हैं। और इसी को लेकर जो है सपना भवनानी ने ये इतनी बड़ी बात कही है कि आप लोग जो है सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय के लिए मांग कीजिए, लेकिन ये जो लड़कियां हैं वो अपने आप काफी दुख से निकल रही हैं, गुजर रही हैं, ऐसे में इन लोगों की बुलिंग और ट्रोलिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए।